शगुफ्ता इजाज। नाजरीन करामी, ये वो नाम है जो जब 19 सेंचुरी में ड्रामास में परफॉर्म करती थी तो इस ड्रामे की टीआरपी सुपर से भी ऊपर हो जाती थी। आपने इनको ड्रामास में परफॉर्म करता देखा होगा, लेकिन इनकी हकीकी लाइफ कैसी है? बे, मोहब्बत बता के नहीं की जाती पगले, बिना पानी के बगले। ये किस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं? ये कितनी पढ़ी लिखी हैं? शगुफ्ता इजाज शोबिज में कैसे आई? इन्होंने कब, किससे और क्यों शादी की? और अब 2023 में इनका लाइफस्टाइल कैसा है? क्या माजी में इनका दूसरे एक्टर्स के साथ अफेयर रहा है? ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्विक ट्रेंड टूडे की इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। कहानी शुरू होती है 5 मई 1970 को और ये मंगल का दिन होता है। इसी दिन शगुफ्ता इजाज पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरात में पैदा हुई। इनके दो और भाई भी थे और फिर बेहतर जिंदगी की तलाश में शगुफ्ता इजाज की फैमिली गुजरात से कराची शिफ्ट हो गई और इन्होंने कराची से ही अपनी कॉलेज तक तालीम मुकम्मल की। एक्ट्रेस बनने का जुनून बचपन से ही इनके खून में मौजूद था और शोबिज इंडस्ट्री में जब शगुफ्ता इजाज ने कदम रखा तब भी इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी। इनके पहले पहले सीरियल का नाम जांग लूज था और ये एक नॉवल था और फिर इसी नॉवल की कहानी पर ही ये ड्रामा फिल्माया गया था। इस ड्रामे में शगुफ्ता इजाज के साथ साथ शबीर जान भी मौजूद थे और ये ड्रामा दो कैदियों की जिंदगी पर फिल्माया गया था और उस वक्त ये ड्रामा बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ था। इसके बाद शगुफ्ता ने पाकिस्तान के और भी बहुत सारे पंजाबी और उर्दू ड्रामास में काम किया और आपको बताऊं कि 2023 में शगुफ्ता इजाज 100 से भी ज्यादा ड्रामास परफॉर्म कर चुकी हैं और अभी जिस ड्रामे में इन्होंने रिसेंट परफॉर्म किया है वो इनका ड्रामा सीरियल मुश्किल था। और इंटरनेट की जानकारी के मुताबिक शगुफ्ता इजाज ने 2 शादियां की है, ताहम इंटरनेट पर इनके पहले हस्बैंड के हवाले से कोई डिटेल मौजूद नहीं है। और जब इनको इनके पहले हस्बैंड ने डिवोर्स दी थी तब इनकी 2 बेटियां थी और फिर इन्होंने दूसरी शादी याहिया सिद्दीकी से की जो कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। शगुफ्ता का कहना है कि वो एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते थे और इनकी ये शादी पसंद की शादी थी और इसी शादी से ही इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और पहले वाले शोहर से शादी के नतीजे में पैदा होने वाली 2 बेटियों को मिलाकर इनकी टोटल 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनके बेटे का नाम हसन सिद्दीकी और शबाज सिद्दीकी है, जबकि इनकी बेटियों का नाम हया अली, अनाया अली, नबीहा अली और ईमान अली है। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर में शगुफ्ता इजाज के साथ इनकी माँ है और दूसरी तस्वीर में नजर आने वाला ये इंसान शगुफ्ता इजाज का फादर है और ये 2 शगुफ्ता इजाज के भाई हैं। शगुफ्ता इजाज ने इतना अरसा शोबिज इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन इनके मुतलिक अच्छी बात यह है कि इनका कभी भी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। और जब ये शोबिज में आई थी तब पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत ही ज्यादा हया और शर्म थी और किसी भी एक्ट्रेस को ये इजाजत नहीं थी कि वो तंग लिबास या नंगे सर ड्रामा की शूटिंग को फिल्माए। आज 2023 में शगुफ्ता इजाज एक ड्रामे की पर एपिसोड पर 2 से 3 लाख रुपए लेती है और इस वक्त इनकी नेटवर्थ 3 to 5 million dollars है और ये अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं। यूट्यूब पर इनका चैनल भी मौजूद है जहां पर ये व्लॉगिंग करती है और व्लॉगर के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन भी हैं और ये मेकअप वगैरह की वीडियोस भी अपलोड करती रहती हैं। यूट्यूब पर इनके सब्सक्राइबर्स 5 लाख से भी ज्यादा हैं और इंस्टाग्राम पर भी इनके फॉलोअर 7 लाख से भी ज्यादा हैं। नाजरीन करामी, आखिर में आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपने चैनल क्विक ट्रेंड टूडे को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना है।